करगिल के मेरे भाई बहन और स्कूल जाने वाले बच्चे, आप सभी को मेरा सलाम और झूले। आप सभी ने अभी तक मेरा कल का ऑर्डर देखा होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें हमने स्कूल्स में क्लास वर्क सस्पेंड करने के लिए कहा है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे सोशल मीडिया पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी और अलग अलग मीडिया चैनल्स में, जिसमें कि कई पेरेंट्स ने इसका वेलकम किया इस ऑर्डर को, और कई के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ये गलत है। इसी सिलसिले में जो रीज़न इसके पीछे थिंकिंग थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। भाइयों बहनों, आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान में जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, आप सभी न्यूज़ मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या अलग अलग सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि रोज़ के अराउंड 3-3.25 लाख तक केसेस आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से डेथ्स का आंकड़ा भी जो है 2000+ है, और जिस हिसाब से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, हम नहीं चाहते कि वो वैसी सिचुएशन करगिल में हो। आप सभी जानते हैं कि जोजिला पास 2-3 दिन पहले खुला था, उसमें हमने कुछ एसेंशियल सप्लाईज के लिए अलाउ किया था ट्रैफिक को, और यहाँ से भी कुछ हमारे 73 अराउंड टाटा मोबाइल्स और छोटे व्हीकल्स गए हैं जो एसेंशियल सप्लाईज वापस लेके आएंगे। इसी के साथ जोजिला अभी खुल जाएगा जैसे वेदर इंप्रूवमेंट होता है, और आप जानते हैं कि जोजिला खुलने के बाद हमारे बहुत सारे लेबर्स या फिर जो हमारी आवाम है यहाँ पे, जो विंटर्स में श्रीनगर या जम्मू रहती है, वो सारे लोग वापस आ जाएंगे। और हमें थोड़ा सा डर है कि अगर वो कोविड लेके आते हैं साथ में और उनके घर में बच्चों को होता है और बाद में स्कूल जाके और बच्चों को फैलाता है, तो ये बहुत आग की तरह हमारे पूरे ज़िले में फैल जाएगा। तो इसी सिलसिले में इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए हमने ये फैसला लिया था कि अभी 1 महीने के लिए हम स्कूल बंद रखेंगे। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि पिछले साल पूरा साल हमारे बच्चों का वेस्ट हुआ है, बट आप ये भी जानकर खुश होंगे कि ये जो 1st से लेकर 12th तक स्कूल्स चल रहे थे, ये सिर्फ करगिल ज़िले में चल रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो हमने 2.5 या 2 महीने के लिए जो अलाउ किया था स्कूल्स को, वो सिर्फ करगिल में था। लेकिन आप सभी को पता है कि कोविड इस बीमारी से लड़ने के लिए उसका प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्योर इतने जल्दी होता नहीं है। और जिस हिसाब से अभी जो नया स्ट्रेन या जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस सब से बचने के लिए हमें प्रिकॉशनरी मेजर लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने स्कूल्स को बंद किया है। हम ऑब्वियसली बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो 1 महीना है इसमें ज़्यादा खतरा रहेगा बच्चों के लिए भी, आवाम के लिए भी। इसलिए हमें ये फैसला लेना पड़ा कि स्कूल 1 महीने के लिए क्लास वर्क जो है सस्पेंड किया जाए। इस दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस है या बाकी मेथड है लर्निंग के, वो चलते रहेंगे, और बीच में हम फिर से एक बार रिव्यू करेंगे जिस हिसाब से कंडीशन इंप्रूव होती है कि स्कूल चला शुरू करने या नहीं करने। अगर हमें लगता है कि सिचुएशन इंप्रूव हो रही है तो हम स्कूल को फिर से क्लास को रिज्यूम भी कर सकते हैं, या फिर फार फ्लंग एरियाज में जहाँ पे बिल्कुल कोई लेबर नहीं जा रहा या बाहर से कोई लोग नहीं आ रहे, वहाँ पे भी हम स्कूल्स को स्टार्ट करने की परमिशन दे सकते हैं। लेकिन अभी के लिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हमें ये फैसला लेना पड़ा, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि आप सब हमारा साथ दें। इसके साथ ही जिस हिसाब से कोविड की सिचुएशन पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और बिना वजह बाहर आने जाना कम करना, वो सारी चीज़ें आप फॉलो करें, बिकॉज हमें इस बीमारी से बचना है। और आने वाले 2-3 महीने हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रुशियल रहेंगे, बिकॉज जिस हिसाब से एस्टिमेट्स है कि इसका पीक अप्रैल मई में होगा या फिर जून तक जाएगा, तो हमें हमारे ज़िले को, हमारे आवाम को, हमारे बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सबको बचा के रखना है। तो इस सारी चीज़ों में मुझे आपका साथ चाहिए, बिकॉज सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल के या फिर किसी को कुछ बोल के हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इस सब में आवाम का साथ हमें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आवाम ही अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेगी तो हमारा ज़िला और हमारी आवाम बच के रहेगी इस बीमारी से। साथ ही मैं आपसे और एक अपील करना चाहूँगा, हमारे सरपंच, हमारे नंबरदार जो है या हमारे गाँव के बुज़ुर्ग इंसान जो है, कि आपके यहाँ पे जो बाहर से व्यक्ति आता है तो हमें इंस्टेंटली हमारे जो कंट्रोल रूम है यहाँ पे, डीसी कंट्रोल रूम है, उसको इन्फॉर्म करें। उन लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं उनको स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन के लिए कहे, या फिर जो बाहर से लेबर आ रही है जो आपके गांव के आसपास रहती है, वो भी इंश्योर करे कि वो गांव में या बाकी जगह पे भटके ना, वो अपने कैंप में ही रहें। इस तरह से हम अगर प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं अगले आने वाले 1-2 महीने में, तो हम सारी चीज़ों को बचा के रख पाएंगे, और अगर हमारा ज़िला बचता है तो साथ ही स्कूलों का भविष्य भी अच्छा होगा, बच्चे भी अच्छे से बाद में पढ़ पाएंगे और हमारे ऊपर स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। इसके साथ ही मैं जो मेडिकल हमारा अरेंजमेंट है उसके लिए भी आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, जो मेडिसिन है, पीपी किट्स है या बाकी चीज़ें हैं। साथ ही हमारा दूसरा ऑक्सीजन प्लांट जो भी 2-4 दिन में फंक्शन हो जाएगा, तो हमारी तैयारी पूरी है। बट तैयारी के साथ साथ इसमें प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, तो मुझे आप सबका साथ चाहिए हमारे जिले को बचा के रखने के लिए, हमारे बच्चों को, बुज़ुर्गों को बचा के रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।